फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल कोहिनूर प्रेडिक्शंस। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीएल के 14वें मुकाबले के बारे में, जो कि सिडनी सिक्सर्स वर्सेस सिडनी थंडर्स के बीच में खेला जाएगा। तो ये मैच आपको डर्बी मैच कहलाता है, जैसा आप देखते होंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल में वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, तो उसको मैनचेस्टर डर्बी बोलते हैं। वैसे ही सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर को सिडनी डर्बी बोलते हैं। तो ये काफी रोमांचक मैच होता है और काफी ज्यादा पब्लिक अट्रैक्ट करता है ये मैच। तो इस मैच से रिलेटेड आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना जा रहा हूं मैं, ड्रीम इलेवन टीम बताऊंगा प्लस पंटर पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप मैच में पैसा लगाते हैं, सेशन खेलते हैं, बेटिंग करते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट स्टैट्स होगा, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको काफी हेल्प कर सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैच खेला जाएगा सैटरडे 28 दिसंबर को, टाइम होगा 1:40 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, दोपहर में मैच है, वेन्यू होगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी में मैच खेला जाने वाला है। मोबाइल नंबर आप मेरा सेव कर सकते हैं, यही मेरा व्हाट्सएप, यही मेरा कॉलिंग नंबर है दोस्तों, 7428525767 नंबर सेव कर लीजिए, लॉस रिकवरी नंबर हो सकता है, क्योंकि अभी जो मैं काम दे रहा हूँ शायद ही कोई दे रहा होगा मार्केट में। टेलीग्राम लिंक देखिए कोहिनूर प्रिडिक्शन से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आज दो मैच ओपन कराया और 2/2 मैच पास था बीपीएल में, अपना चत्तोग्राम पास था, प्लस आज बीवीएल में भी ओपन दिया है, ओपन यही इसी चैनल पे कोहिनूर प्रिडिक्शन पे जाइए, अपना एडिलेड स्ट्राइकर वहां पे भी विनर दिया है। तो काम का लेवल देखिए और फिर अच्छा लगे तो कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट में, तो सरफेस जो है वो स्लोअर साइड पे, पहले तो यूज सरफेस है, यहाँ पे ऑलरेडी मैचेस हो चुके हैं, तो मैचेस हो गए हैं इसके मतलब ये दो मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यूज सरफेस है। और यहाँ पे आपको एक तरह से टैकी सरफेस देखने को मिला, बॉल स्टिक करके आएगा, उतने अच्छे से बैट पर नहीं आएगा, मतलब जो भी टीम 160-170 रन अगर फर्स्ट बैट करते हुए बना देती तो काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा, और यहाँ पे बैटिंग करना उतना आसान नहीं है। रिव्यू ले लेते हैं दोनों टीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिडनी सिक्सर्स अभी थर्ड पोजीशन पे करेंटली पॉइंट टेबल पे, 2 विन है 2 लॉसेस है। वही सिडनी थंडर का बात करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे है, 2 विक्ट्री और 1 नो रिजल्ट के साथ 3 मैचेस में, तो करेंटली टॉप ऑफ द टेबल पे बैठी हुई है। तो दोनों ही काफी कॉम्पिटेटिव टीम है, अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, एक अच्छा मैच देखने को आपको मिलेगा। वेदर रिपोर्ट में बात करें तो 30 डिग्री का टेम्परेचर, चांसेस ऑफ रेन 4% है, ह्यूमिडिटी लेवल 73% की है, तो मतलब रेन होने के चांसेस एक तरह से निगेटिव ही मान लीजिए। टीम न्यूज में बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, तो जैक्सन बर्ड ने पिछले मैच में बेन मैनेंटी को रिप्लेस किया था और काफी जबरदस्त बॉलिंग है जिसकी वजह से सिडनी सिक्सर्स जीती थी वो मैच, पर्थ को हरा पाई थी, 3 विकेट लिया था इन्होंने अप फ्रंट स्टार्टिंग में, इन्होंने विकेट लिया था जिसकी वजह से पर्थ स्कॉच बैकफुट पे चली गई थी, तो ये अपना जगह इनका रहेगा, ये मैच खेलेंगे और सेम फीलिंग है उनके साथ उतरने जा रही है सिडनी सिक्सर्स। वही बात करेंगे सिडनी थंडर का, तो बैक टू बैक मैचेस जीती है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो सेम फीलिंग है उनके साथ उतरेगी क्योंकि अपना विनिंग मोराल को चेंज नहीं करेगी टीम। वही अगर पंटे पॉइंट से बात कर लेते हैं तो हेड टू हेड इन दोनों के बीच 15 मुकाबले में, यहाँ पे सिडनी सिक्सर्स 10 जीती है, थंडर 5, तो सिक्सर्स का थोड़ा सा पल्ला यहाँ पे भारी देखने को मिलता है। अब रिसेंट फॉर्म का बात करेंगे, लास्ट 5 मैचेस में परफॉर्म कैसा किया दोनों टीम ने, तो सिडनी सिक्सर आप देख सकते हैं विन है, लॉस है, लॉस है, विन है, फिर लॉस है, मतलब लास्ट 5 में से सिर्फ 2 मुकाबले जीते, तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। थंडर का बात करें तो 9 रिजल्ट है, विन है, विन है, विन है, फिर लॉस है, मतलब लगातार 3 मैचेस यहाँ पे जीत के आ रही है ये टीम, अच्छा परफॉर्म भी कर रही है इस साल बीवीएल 2019 में, तो थोड़ा सा पल्ला यहाँ पे थंडर का फिर से भारी देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे हेड टू हेड में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, जहां मैच कल का खेला जाने वाला है, तो यहां पे 7 मैचेस ऑलरेडी हुए हैं जहां पे सिडनी सिक्सर्स 5 जीती है, थंडर 2 जीते, तो सिक्सर्स का 16 सा पल्ला अपर हैंड यहां पे भी देखने को मिल रहा है। अब लास्ट 6 गेम में जो ये दोनों के बीच में हुआ है तो उसमें 3-3 मुकाबले, मतलब रेशियो 50-50% का है, दोनों टीम काफी कॉम्पिटिटिव है, लास्ट 6 मैचेस में से 3-3 मैचेस दोनों टीम जीती है, तो यहां पे कुछ कहना आसान नहीं है। वेन्यू स्टैट्स का बात करेंगे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का, तो बीबीएल हिस्ट्री में अभी तक 51 मैचेस में 22 बार फर्स्ट बार जीती, सेकंड बार 28 बार, मतलब सेकंड बार को काइंड ऑफ एडवांटेज है यहाँ पे, एक मैच टाइड है, एवरेज फर्स्ट इनिंग 154 का है और हाईएस्ट टोटल 209/4 है जो ब्रिस्बेन हिट ने मारा था इसी सीजन में, और लोएस्ट टोटल है 73/10। प्लेइंग 11 का बात करेंगे सिक्सर्स की तरफ से, तो जॉस फिलिपी विकेट कीपर बैट्समैन है, अच्छे फॉर्म में है, डेनियल ह्यूज, जेम्स विंस, मॉइसेस हेनरिक्स, जॉर्डन सिल्क, हेडन कर, टॉम करन, सीन अबॉट, बेन डॉर्सियस, एल्वर्ट पोप और जैक्सन बर्ड, तो ये प्लेइंग 11 होगा सिक्सर्स का। वही बात करेंगे थंडर का प्लेइंग 11 का, तो कैलम फर्गसन, उस्मान ख्वाजा, एलेक्स हेल्स, क्रिस मॉरिस, क्रिस ट्रीमैन, एलेक्स रॉस, क्रिस ग्रीन, अर्जुन नायर, डेनियल सैम, जोनाथन कुक और मैथ्यू गिलक्रिस्ट, तो ये प्लेइंग 11 होगा थंडर का। अब बात करेंगे यहाँ पे सिक्सर्स के की प्लेयर्स का, तो जॉस फिलिपी हाईएस्ट रन गेटर है सिक्सर्स की तरफ से, 129 रन है 4 मैचेस में, आप इनको वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं।
हेंड्रिक्स का बात करेंगे तो लास्ट मैच में प्रॉमिसिंग देखे थे, ये 35 रन मारा था 20 गेंद में और अच्छा बैटिंग कर रहे थे, लेकिन आउट हो गए, ज्यादा बड़ा रन स्कोर नहीं कर पाए। तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं कैप्टन के फॉर्म में इन ग्रैंड लीग, एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। टॉम करन का बात करेंगे तो लास्ट मैच में इन्होंने मैच टर्न किया था लास्ट ओवर में 24 रन मार के, तो काफी जबरदस्त फॉर्म में ये 43 रन मारा था बैट से कंट्रीब्यूट करके और एक विकेट भी निकाला था 3 ओवर में, तो अच्छे फॉर्म में वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास रहेंगे। सीनेवर्ड का बात करेंगे तो वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर है सिक्सर्स की तरफ से, लास्ट मैच में 3 विकेट निकाला है और 9 विकेट है 4 मैचेस में। की प्लेयर्स का बात करेंगे थंडर की तरफ से तो फर्गुसन का 104 रन है 3 मैचेस में, ख्वाजा का 88 रन है 3 मैचेस में और एलेक्स सेल्स का 86 रन है 3 मैचेस में। तीनों ही जबरदस्त ऑप्शन है वाइस कैप्टन कैप्टन के लिए। डैनियल सैम 6 विकेट है 3 मैचेस में, तो ये सारे की प्लेयर्स रहेंगे। इन्हीं की प्लेयर्स को लेकर जो मैंने आपके लिए टीम डीआर की मैं आपको दिखा देता हूं, मैं जॉस फिलिपी के साथ जा रहा हूं विकेट कीपर डिपार्टमेंट में, मैथ्यू गिलक्रिस्ट को भी आप पिक कर सकते हैं। बैटिंग में बात करेंगे तो उस्मान ख्वाजा, कैलम फर्गसन, एलेक्स हेल्स और जेम्स बीन्स को मैं पिक कर रहा हूं। यहाँ पे ऑप्शंस का बात करेंगे तो डैनियल ह्यूज एक अच्छे ऑप्शन है आपके, जॉर्डन सिल के साथ भी जा सकते हैं। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में मैं मॉइसेस हेनरिक्स, टॉम करन और डैनियल सेव को पिक कर रहा हूं। यहाँ पे क्रिस मॉरिस के बहुत अच्छे ऑप्शन है और हेडन कार के साथ भी आप जा सकते हैं। बॉलिंग में बात करेंगे तो स्टीव ओकीफ, सीन एबॉट और अर्जुन नायर को मैं पिक कर रहा हूं। यहाँ पे आप स्टीव ओकीफ को छोड़ के जैक्सन बर्ड के साथ जा सकते हैं, ये अच्छे ऑप्शन है, पिछले मैच में 3 विकेट भी लिया है इनको। बाकी बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन तो उस्मान ख्वाजा को कैप्टन और वाइस कैप्टन टॉम करन को बना रहा हूं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस के बात करेंगे तो एलेक्स हेल्स, कैलम फर्गसन बहुत अच्छे ऑप्शन है, जॉस फिलिपी भी अच्छे ऑप्शन है वाइस कैप्टन के लिए। ये रही टीम इंडियन टीम दोस्तों, यहाँ पे आप प्रीव्यू ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों, और रिपोर्ट चाहिए तो कॉन्टैक्ट करना 7428525767। गारंटी दे रहा हूँ कि लॉस जितना भी है अभी बुकी को दे दे के हारे हुए सारा रिकवर करवा के दूंगा यार। चलिए ज़्यादा क्या बोलूँ, कोहिनूर प्रेडिक्शन से अपना टेलीग्राम चैनल जाइए, काम देखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।